What's up guys, this is Abhishek Ranjan और आप देख रहे हैं Beyond Infinity YouTube channel। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त स्कूटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अवेलेबल है इस समय हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा रेड कलर में इस समय हम लेके आए हैं। ये आता है दो तरीके की बैटरीज या दो तरीके के मॉडल्स के साथ, जिसमें आता है लिथियम आयन बैटरी और दूसरा आता है लेड एसिड बैटरी। तो हम पूरा आपको स्पेसिफिकेशंस, पूरा आपको टेस्ट ड्राइव और बाकी सब आपको ओवरव्यू वगैरह सब कुछ समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी बात करते हैं इसके फ्रंट एरिया के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको रेड कलर में पूरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारा क्रोम ट्रीटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, यहाँ पर पूरा कंसोल की तरफ में, नीचे की तरफ में, यहाँ तक कि आपको जो है स्टेनलेस स्टील के यहाँ पर जो है व्हील्स भी दिए जा रहे हैं कुछ इस तरीके से अगर आप देखें तो। सबसे पहले फ्रंट से ऊपर से यहाँ पर बात करेंगे इस स्कूटर के बारे में। वैसे आपको ये मैट रेड कलर में देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर आपको हीरो इलेक्ट्रिक का एम्बलम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रोम ट्रीटमेंट, कुछ गार्निशिंग यहाँ पर की गई है। हमने का पूरा व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से आता है। अंदर भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी कुछ ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक का ग्राफिक है यहाँ पर और कुछ इस तरीके से आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप छोटे से दो डॉट्स देख रहे होंगे, यहाँ पर आप अपनी जो है नेम प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। बात अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो इसमें कोई भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप 60 भी चला सकते हैं और अंडर 18 भी इसमें चला सकते हैं। कोई भी आपको इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लिथियम पावर भी देखने को मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मेरे पास लिथियम वाला मॉडल अवेलेबल है। यहाँ पर अगर टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बॉडी से उभरे हुए लगाए गए हैं, जो कि सामने की तरफ में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको ऑफर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब का यूज़ किया गया है दोनों तरफ में, बिल्कुल आपको सेम देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ ज़्यादा डिज़ाइन या कट उस पर नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको नॉर्मल 12 इंचेस का टायर देखने को मिला है, 90x90, जो कि मैंने आपको बताया स्टेनलेस स्टील में आपको प्रोवाइड कराया गया है। हेयर्स काफ़ी अच्छे हैं बाय द वे, जो कि ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल रेनी सीज़न में, जैसा कि आजकल चल रहा है, या आपको नॉर्मल सीज़न में लें या बालू मिट्टी में लें तो काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग भी ऑफर करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फ्लोर बोर्ड का जो साइज़ है वो नॉर्मल स्कूटी जितना देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पेट्रोल स्कूटी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, जो भी नॉर्मल पेट्रोल स्कूटीज़ वगैरह इंडिया में चलती हैं उन्हीं की तरह आपको काफ़ी अच्छा फ्लो बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे इससे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, और सामने की तरफ में काफ़ी अच्छा आपको स्टोरेज जो है ऑफर करती है यहाँ पर हीरो इलेक्ट्रिक, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल ये स्कूटर बनाया गया है मेनली सिटी के लिए, आप सिटी से बाहर जाना चाहें तो वो आपके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा सिटी के लिए काफ़ी अच्छा स्कूटर आपके लिए रह सकता है। सिटी के लिए इसमें क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। एक तो ठीक ठाक स्पीड ऑफर करता है, जो कि आप नॉर्मल सिटी में इसको चला सकते हैं। आपको ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि स्पीड की प्रॉब्लम आपको महसूस होगी या स्पीड की कमी महसूस होगी या पावर की कमी महसूस होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा चलाया है अभी तक आप देख सकते हैं तो। और आपको काफ़ी अच्छा इसमें जो है पूरा स्टोरेज का कैपेसिटी भी देखने को मिल जाएगी काफ़ी अच्छी। बूट के अंदर आप देखें, सामने के फ्लोर बोर्ड पर देखें, सामने की इस जगह को देखें या डैशबोर्ड को देखें तो काफ़ी स्पेशियस इस स्कूटर को बनाया गया है उसी तरीके से सिटी के हिसाब से लोगों में। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप एक लीटर की बॉटल भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, दो बॉटल्स आ जाएंगी एक एक लीटर की, और यहाँ पर कुछ और भी आप स्टफ्स वगैरह रख सकते हैं। आप जाते हैं नॉर्मल मार्केट, वहाँ से भी कुछ खरीद के ला सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको हुक देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आप जो भी कोई चीज़ हैंग करना चाहते हैं, पॉलीथीन या कुछ भी हैंग करना चाहते हैं वो तो यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको की कुछ इस तरीके से कंप्यूटराइज देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको एम्बलम भी देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है इसमें कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो लॉक, अनलॉक और उसके बाद में ऑन का आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कुछ बोल्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सामने के लुक में आ रहे हैं। ये जो एरिया है सामने की बॉडी और ऊपर के कंसोल के बीच में, ये काफ़ी लंबा सा देखने को मिलता है, बाकी स्कूटर से काफ़ी अलग देखने को मिला ये चीज़ मुझे। अभी जो है इसको ऑफ रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऑन करेंगे और गलती से भी थ्रॉटल खींचता है तो स्कूटी जो है आगे चली जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है इस वजह से इसमें कोई भी साउंड या वाइब्रेशन या ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आपको पता चले स्कूटी स्टार्ट है। कुछ ऐसे फीचर्स भी, सेफ्टी फीचर हीरो इलेक्ट्रिक को ज़रूर देने चाहिए, जो कि इसमें एक दो मुझे लगता है कुछ मिसिंग है, वो उस पर आगे हीरो इलेक्ट्रिक काम करेगी। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जो है ग्रिपिंग देखने को मिल जाएगी, अगर मैं ग्लव्स पहन के ना भी चलाऊं तो भी काफ़ी बढ़िया ग्रिपिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी आपको
थिक थिक आपको देखने को मिल जाएंगे हैंडल बार। और यहाँ पर आप अगर देखें आपके ब्रेक्स वगैरह में, ब्रेक लीवर में, तो ये थोड़े से टाइट मुझे ज़रूर लगे, लेकिन इसमें क्रोम का वर्क कर रखा है, काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक यहाँ पर देते हैं और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ भी यहाँ पर ऑफर आते हैं। यहाँ पर आप लगा सकते हैं नॉर्मल अपने ORVM जो किसी के साथ में आपको मिलेंगे, उसका एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के साथ में, कोई भी ऐसा पैसा अलग से नहीं लिया जाएगा, इसी के साथ में मिलेंगे आपको। इसकी प्राइस और बाकी चीज़ों की बात भी करते रहेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। अब थोड़ा कंसोल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर आके देखें तो आपको कुछ इस तरीके से कंसोल देखने को मिल जाएगा, पूरा आप देख सकते हैं क्रोम में, क्रोम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। ऑन अगर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हीरो इलेक्ट्रिक नीचे लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। इसमें आपको तीन फीचर्स मेनली देखने को मिल जाएंगे, ऊपर स्पीडोमीटर है, नीचे ओडोमीटर है, और यहाँ पर आपको जो है बैटरी का पूरा देखने को मिलता है, बैटरी आपको इंडिकेट करता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खाली खाली दिखता है, यहाँ पर टाइम या ऐसा कुछ देना चाहिए था हीरो इलेक्ट्रिक को, तो ये जो है थोड़ा भरा भरा लगता है, और एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो है टर्न इंडिकेटर की साउंड देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से बीप साउंड जो है वो काफ़ी अलग है बाकी पेट्रोल गाड़ियाँ जो आती हैं उनसे। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी भी देखने को मिलती है दोनों तरफ में, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से। ये भी बटन्स जो है काफ़ी अच्छा फील हो रही हैं, काफ़ी अच्छा फील, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं। उसी के साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लो बीम हाई बीम आपको देखने को मिल जाएगा। लो बीम की बात करूँ तो वो मुझे अभी तक ठीक लगा है, रात में मैंने अभी तक गाड़ी चलाई नहीं है, कोशिश करूँगा मैं रात में भी चलाने की, और आगे भी किसी पोस्ट के द्वारा या किसी और वीडियो में या ऐसी किसी ब्लॉग में आपको ज़रूर मैं दूंगा इसके बारे में नॉलेज, अगर मैं इसके बारे में पता चला मुझे तो मेरे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, चिंता मत करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं अभी नया वीडियो कोई भी अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। जैसे कि मैं फ्यूचर में इसका जो है रात वगैरह में अगर कभी मेरे को चलाने का मौका मिला तो उसमें मैं आपको बताऊँगा ज़रूर कि इसकी लाइट वगैरह कैसी है, रात में फील कैसा आता है, या मार्केट में भीड़ में चलती गाड़ी कैसी है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आगे चल के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लो बीम हाई बीम अभी मैं आपको चेक करके नहीं बता पा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको कुछ लाइटिंग के भी सेटअप देखने को मिलेंगे। इसमें जो है DC हेडलैम्प नहीं आता है, आप जो है लाइट को बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं यहाँ से। और हॉर्न की बात करेंगे तो बाकी गाड़ियों पेट्रोल गाड़ियों से काफ़ी अजीब चीज़ लगी, टर्न इंडिकेटर जो है वो नीचे है, हॉर्न ऊपर है, लेकिन इसकी भी आपको आदत पड़ जाएगी। ऐसा कुछ मुझे डिफरेंट या ऐसा कुछ अलग नहीं लगा, क्योंकि हॉर्न जो है वो अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है, पर टर्न इंडिकेटर की जो स्विच है उसकी जगह बदल दी गई है, वो होना चाहिए था इसके ऊपर, बस उसकी जगह बदल दी गई है, हॉर्न अपनी जगह पर है। तो आपको ऐसा सिटी में अगर आप बजाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ इस तरीके से हॉर्न है, काफ़ी शार्प और काफ़ी अलग हॉर्न है। अगर आप देखें ऐसा नहीं लगता है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ये बजा रहा है, और इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से पूरा आपको USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल रहा है, जो कि आपकी लिथियम बैटरी से ही कनेक्टेड है पूरा। तो मैंने आपको ये सब दिखा दिया है, ज़रा अगर आप देखें तो आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, पूरा रबराइज आपको कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी जो है पूरा आपको जो है फाइबर में स्कूटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा फाइबर यूज़ किया गया है, इस जगह पर नीचे की तरफ स्टैंड आपको डबल स्टैंड भी देखने को मिलेगा, सिंगल स्टैंड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ वाइजर्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से, ये ऐसे शो में लगाए गए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एज सेफ्टी भी बोल सकते हैं, आपको कुछ कंकड़ पत्थर ना लगे जाके। इसकी जो मेन मोटर है वो 250 वॉट की आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही है 250 वॉट्स की, इसी पीछे वाले रिम में लगा हुआ है। और पीछे वाले अगर हम रिम की बात करते हैं तो सेम आपको जो है आगे वाला देखने को मिल जाता है, 12 इंचेस का ये भी है, 90x90, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे हेयर देखने को मिल जाते हैं। मैंने इसे फ्लैश स्कूटर में देखा और काफ़ी सारे हीरो इलेक्ट्रिक के बाकी स्कूटर्स में भी देखा, ये बात मुझे बड़ा अजीब लगा कि सब में जो है लगभग सेम टायर आता है और सब में हेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, जिस वजह से ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी ऑफर करता है यहाँ पर। तो बाकी चीज़ें हमने देख ली। अगर सीट की हाइट की बात करें, लंबाई की बात करें, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हाइट नॉर्मल स्कूटर से थोड़ी नीचे है, तो आपको जो है काफ़ी इजी रहेगा सिटी में चलाने के लिए। लंबाई की बात करें तो ऐसे तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी अच्छी है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप तीसरा बैठाना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, और तीसरा बैठाना इलीगल भी है, मत बिठाइए, दो लोगों में आराम से चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। और थोड़ा बहुत सामान भी है अगर आपके हाथ में तो आप वो रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पीछे आपको कुछ इस तरीके से पूरा ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएगा, पूरा ग्रैब रेल आपको देखने को मिल जाएगी, सिल्वर फिनिश में देखने को मिल रही है, कोई भी कलर आप लेते हैं आपको जो है सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से पीछे जो है हीरो इलेक्ट्रिक का साइन भी देखने को मिल जाएगा, बीच में कुछ इस तरीके से गैप है, इसका कोई मतलब नहीं है। साइड में यहाँ पर हल्का सा ग्राफिक्स है, और बीच में आपको जो है क्रोम में ऑप्टिमा देखने को मिल जाएगा, जो कि इस स्कूटर का नाम है।
साइड से अगर आप विजिबिलिटी देखें इस स्कूटर की, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑरेंज कलर में प्रोवाइड कराए गए। काफ़ी अच्छी बात है, रात में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ये। अगर पीछे की तरफ से आप स्कूटर को देखते हैं तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जैसे ये बीच वाला रिफ्लेक्टर, पीछे के दो टर्न इंडिकेटर जो कि पीछे की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, साइड में उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो है फाइबर काम कर दिया गया, साइड में कोई विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन पीछे के लिए काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी के साथ में आते हैं। बीच में आपको जो है बल्ब देखने को मिलेगा, इन में भी बल्ब का यूज़ किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जीरो एमिशन यहाँ पर लिखा गया और हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से है ये। यहाँ पर आपको कोई भी नंबर प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं लगानी पड़ेगी। पीछे का आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से गार्ड देखने को मिलेगा। क्वालिटी ठीक है, कोई ज़्यादा मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, और यहाँ पर क्वालिटी ठीक लगी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वालिटी वाइज। काफ़ी रफ मटेरियल जो है यूज़ किया गया, और मुझे नहीं लगता ये वाइट पड़ जाएगा जैसे कि नॉर्मल स्कूटर्स में पड़ जाता है। वाइट तो सभी पड़ता है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी पॉलिश का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी अच्छा मटेरियल, जल्दी वाइट नहीं पड़ेगा। तो कुछ इसी तरीके से स्कूटर था। अभी जो है नॉर्मल इसके चलाने की बात करेंगे, उससे पहले आपको यहाँ पर नॉर्मल सीट खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको एक कुछ इस तरीके से इग्निशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हैं इस तरफ कुछ इस तरीके से, नॉर्मल अपनी सीट खुल चुकी है। सीट को अगर ऊपर करेंगे, सीट मुझे थोड़ी हल्की सी लगी, हल्की क्वालिटी लगी। अगर आप देखेंगे बहुत हल्की सीट है, यहाँ पर जो है हल्की सी कॉस्ट कटिंग की गई है। अगर इसको उठाते हैं नॉर्मल आपको कंट्रोलर वगैरह देखने को मिलेंगे, इसके अंदर कोई दिखाने की चीज़ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ प्लग्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपके MCB को भी माउंट किया गया है। अगर आप निकालते हैं अपनी बैटरी को, बैटरी को वैसे आप दो तरीके से चार्ज यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ के इनबिल्ट करके भी और दूसरा बैटरी निकाल के भी। यहाँ पर सामने आपको छोटा चार्जर देखने को मिल रहा है, सामने की तरफ में 3 प्लग वाला है। यहाँ पर आपको इस तरीके से चार्जर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे इसकी टूल किट वगैरह है, इसके साथ में आने वाली बुक है, और कुछ मैनुअल वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आपको नॉर्मल चार्जर भी इसके साथ में ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर एक की लगी हुई है, इसको खोल के आप यहाँ पर बैटरी देख सकते हैं। लिथियम बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ब्लू कलर में। यहाँ पर हैंडल है, इसको आप निकाल के उधर से MCB बंद करके इसको बाहर भी निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि नॉर्मली आपको ये चार्जर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको चार्जर देखने को मिलेगा। 8 किलो की बैटरी है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप इसको नॉर्मल चार्जर में कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसे रेड है तो मतलब बैटरी कम है, ग्रीन हो जाएगी मतलब बैटरी फुल हो चुकी है, यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर बात करें कितना चल जाएगी ये फुल चार्ज करने पर, 0 to full, फुल चार्ज करने के बाद में अगर आप इसको सही से चलाते हैं तो 60 कंपनी क्लेम करती है कि चल जाएगी। उसके बाद में वेरी करता है आप किस तरीके से थ्रॉटल जो है हार्शनेस से चलाते हैं, वैसे चलाते हैं तो बैटरी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। रिफ्यूल करना चाहते हैं 0 to full, आप इसकी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें केवल 4 घंटे कंपनी क्लेम करती है कि 4 घंटे में 0 to full हो जाएगी। नॉर्मल चार्जर में आप कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसे रेड है तो मतलब बैटरी कम है, ग्रीन हो जाएगी मतलब बैटरी फुल हो चुकी है, यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर बात करें कितना चल जाएगी ये फुल चार्ज करने पर, 0 to full, फुल चार्ज करने के बाद में अगर आप इसको सही से चलाते हैं तो 60 कंपनी क्लेम करती है कि चल जाएगी। उसके बाद में वेरी करता है आप किस तरीके से थ्रॉटल जो है हार्शनेस से चलाते हैं, वैसे चलाते हैं तो बैटरी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। चार्जर में कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि आपको इसको और भी स्मार्ट बना देते हैं इस स्कूटर को, जैसे कि इसमें ऑटो कट ऑफ आपको देखने को मिला, जैसे कि आप रात में इसको लगा दीजिए चार्जिंग पर, सुबह जो है आपको फुल बैटरी मिलेगी। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर बैटरी चार्ज करेगा या बैटरी फूल जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिथियम वैसे भी नहीं फूलती है, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑटोमेटिक कट ऑफ है, जैसे ही आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी फुल ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, बैटरी में एक्स्ट्रा पावर नहीं पहुँचाएगा। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर स्मार्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी 57,900 rupees ओनली। यही एक्स शोरूम है, यही इसमें ऐसा कुछ आपको जो है इसमें ना नंबर लेना पड़ेगा ना इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें वेरी नहीं किए गए हैं, वही है। यहाँ पर अगर बात करें वारंटी की इस स्कूटर की, तो वो आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है इस पूरे स्कूटर की। बैटरी की भी 3 साल की है, इसके कंट्रोलर की, चार्जर की, सबकी 3 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में अगर आप लेते हैं लेड एसिड बैटरी के साथ वाला मॉडल, तो उसमें जो है बैटरी की केवल 1 साल हो जाएगी वारंटी, बाकी सबके 3 ही साल रहेगी यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आपको था। तो यहाँ पर जो है हमने सारा ओवरव्यू जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को समझने में, चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अभी जो है थोड़ा सा इसका टेस्ट ड्राइव आपको देंगे, ऐसा कुछ बड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं रहने वाली है, केवल मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल कैसा आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते वक्त कैसा महसूस होता है। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आप स्विच कर रहे हैं एक पेट्रोल स्कूटर से इलेक्ट्रिक में, तो आपको केवल
शुरू के 2-3 मिनट दिक्कत होगी, उसके बाद में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर सिटी के लिए काफ़ी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि सिटी में आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, वाइब्रेशन होता है तो आपकी बॉडी हल्की हल्की वाइब्रेट करने लगती है, मेरा मानना ऐसा, और थोड़े भारी भी होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही हल्का 85 किलो का आपको यहाँ पर कर्व वेट देखने को मिल रहा है जो कंपनी बता रही है, और उसके बाद में ये काफ़ी स्मूथ भी, आप देखें कुछ इस तरीके से इसका थ्रॉटल, और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पिकअप वगैरह भी देखने को मिलता है। सिटी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो इसकी पहले तो थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अभी इसको यहाँ से ऑन कर लिया है और आपको कोई भी स्टार्ट नहीं करना है, कोई भी सेल्फ नहीं दे रहा, मेरे को स्कूटर बैठते यही सेल्फ याद आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सीधा आप इसको आगे करेंगे, दो लोग बैठे हुए हैं समय मैं और ध्रुव। अभी आप देख सकते हैं पिकअप कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से कि कैमरा हिल जाता है, मतलब पिकअप मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। एक नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर से बात करें तो पेट्रोल स्कूटर से काफ़ी बेहतरीन पिकअप मुझे लगा है, सिटी में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। कुछ इस तरीके से काफ़ी स्मूथ चलने लगा उसके बाद में, आप अगर देखें समय, और ब्रेकिंग वाइज भी बताएंगे आपको कैसा क्या है। रियर ब्रेक अभी मैं अप्लाई करूँगा 1-2-3 यूवी को, 12 की स्पीड थी, 12-13 की स्पीड। रियर ब्रेक मुझे थोड़ा सा डाउन लगा है, मतलब ब्रेक्स उतने नहीं लगे मुझे अच्छे, ब्रेक्स थोड़े से ढीले से आपको देखने को मिलेंगे इस नॉर्मल स्कूटर में। स्पीड की अगर बात करेंगे तो थोड़ी स्पीड खोल के देखते हैं, नॉर्मल स्पीड है, इतनी स्पीड भी आपको जितना अभी मैं चला रहा हूँ इतनी ही स्पीड आपको नॉर्मल सिटी में चाहिए होगी। अभी जो है 20 की स्पीड ये पकड़ लिया है और इसके ऊपर जाने में नखरे कर रहा है, रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सिटी के लिए ब्रेक थोड़ी सी कम है, सिटी में ब्रेक थोड़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए अचानक से कोई सामने आ जाए तो। और वैसे 15 की स्पीड तो इजीली पकड़ लेता है, 20 करने में नाटक लेता है, 20 के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, 20 बन गया। फ्रंट ब्रेक लगाएं तो वो उतना नहीं लगा मुझे, फ्रंट एंड रियर दोनों नहीं लगी, लेकिन अगर आप दोनों ब्रेकों को एक साथ में दबाते हैं तो आपको अच्छा जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब ठीक है नॉर्मल आपका स्कूटर रुक जाएगा अगर आप दोनों को एक साथ दबाते हैं तो। अभी थोड़ा सा जो है ख़राब रोड पर इसको चला के देखेंगे, उसमें पता चलेगा इसका सस्पेंशन वगैरह। सामने की तरफ में आपको जो है फोक देखने को मिल जाती है नॉर्मली हाइड्रोलिक वाली। वैसे अभी मैंने जो है हॉर्न दबाने की कोशिश की बिना हॉर्न की तरफ देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हॉर्न भूल रहा हूँ कहाँ पर है। और जैसा कि आप अभी मैं थोड़ा उतना नहीं लगा मुझे, फ्रंट एंड रियर दोनों नहीं लगी, लेकिन अगर आप दोनों ब्रेकों को एक साथ में दबाते हैं तो आपको अच्छा जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब ठीक है नॉर्मल आपका स्कूटर रुक जाएगा अगर आप दोनों को एक साथ दबाते हैं तो। अभी थोड़ा सा जो है ख़राब रोड पर इसको चला के देखेंगे, उसमें पता चलेगा इसका सस्पेंशन वगैरह। सामने की तरफ में आपको जो है फोक देखने को मिल जाती है नॉर्मली हाइड्रोलिक वाली। वैसे अभी मैंने जो है हॉर्न दबाने की कोशिश की बिना हॉर्न की तरफ देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हॉर्न भूल रहा हूँ कहाँ पर है। पीछे कॉइल स्प्रिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, सस्पेंशन यहाँ पर थोड़ी सी रोड ख़राब है, इसमें अभी हम थोड़ा सा चेक करने आए हैं। नॉर्मल लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे सस्पेंशन है। तो यहाँ पर हमने इसको टेस्ट किया, हर तरीके से इसके सस्पेंशन वगैरह सब कुछ टेस्ट किया, काफ़ी बेहतरीन स्कूटर मुझे लगा है कि एक अच्छा पैकेज आपके लिए रह सकता है सिटी के लिए। अगर आप चाहते हैं कोई स्कूटर, आप आपके ज़्यादा है कम है कुछ भी है ये वैरी नहीं करता, आप मेल हैं फीमेल हैं सभी के लिए एक अच्छा पैकेज ये यहाँ पर रह सकता है हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो मैं अपनी तरफ से इसको देता हूँ थम्स अप। इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और बहुत ही जल्दी सारे व्हीकल्स जो है इलेक्ट्रिक में तब्दील हो जाएंगे, चाहे वो 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो कुछ इसी तरीके से। तो इलेक्ट्रिक का बहुत ही अच्छा मार्केट है, अगर आप इलेक्ट्रिक सोच के इसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो ये काफी अजीब होगा मेरे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा मार्केट आजकल आने वाला है, और सर्विस वगैरह कोई कॉस्ट मेंटेनेंस नहीं है इसका, कुछ ऐसा कि आपको कोई इसमें दिक्कत हो, बस आपको जो है 5-6 सालों में बैटरी बदलनी पड़ती है। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉरगेट सॉरो, बी हैप्पी, पीस।